Assalamu alaikum, dearest friends. How are you all? Hope you all are good and safe. I'm your math teacher, and today we are learning about chapter 3, which name is factors and multiples. अब ये factors and multiples क्या होते हैं, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. चलते हैं इसकी definition की तरफ. Definitions, factor scheme. Factors की definitions में क्या कह रहे हैं, a number that divided another number dividend completely without leaving a remainder is a factor of that number. यानी किसी भी, कोई सा भी हम एक नंबर लेते हैं और उसको डिवाइड करवाते हैं और कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाता है, उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, वो उसका फैक्टर्स कहलाता है. यहाँ पर एग्जांपल भी है, एग्जांपल की मदद से मज़ीद और समझने की कोशिश करते हैं. द फैक्टर ऑफ 8, हमने एक नंबर लिया, एक नंबर को सिलेक्ट किया 8 और इसका फैक्टर्स मालूम करना है. अब इसका फैक्टर्स कौन कौन सा है, 1, 2, 4 और 8. अब ये 1, 2, 4 और 8 किस तरीके से आया है, अब देख लीजिए. ये जो 8 है, ये 8 को किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस से 8 मिल जाएगा. तो वो दो नंबर जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो 8 का फैक्टर्स होगा. यानी 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 वन ज़ा 8, वापस से मुझे 8 मिल रहा है, तो ये इसका फैक्टर है. इसी तरीके से 2 की टेबल में अगर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो 2 फोर ज़ा 8, वापस से 8 मिल रहा है ये, तो ये 2 और 4 ये भी 8 का फैक्टर है. 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो मज़ीद दोबारा एक दफ़ा और उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 5 के टेबल में भी 8 नहीं आता, तो बस ये 1, 2, 4 और 8, ये 8 के फैक्टर्स हैं. यानी इन चारों नंबर को जब हमने पेयर की शक्ल में मल्टीप्लाई करवाया तो वापस से 8 हमें हासिल हुआ, तो ये 8 के क्या हुए, फैक्टर्स. तो 8 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2, 4 एंड 8, ये 8 के फैक्टर्स हैं. ये डेफिनेशन से आप लोगों को ये डेफिनेशन ऐसे ही करने हैं, सबसे पहले फैक्टर की हेडिंग, डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग और फिर एग्जाम्पल. नेक्स्ट डेफिनेशन, मल्टीपल्स. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर. यानी मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक और नेचुरल नंबर से, जब दो नेचुरल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नंबर हमें हासिल होगा वो नंबर उसका मल्टीपल्स कहलाएगा. यानी दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मल्टीपल्स कहलाएगा. इसकी एग्जाम्पल की मदद से ज़रा और समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है 4 का टेबल. अब 4 के टेबल में 4 वन ज़ा 4, ये जो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 4 आ रहा है, ये मल्टीपल्स है. इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, 8. ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा. ये जो मतलब ये पूरा टेबल हमें नहीं लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल्स लिखना है. इसकी एक और एग्जाम्पल मैं अपने पास से देती हूँ. जैसे कि अगर मैं 2 का टेबल लेती हूँ और 2 की टेबल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कंटिन्यूसली मज़ीद और चलता रहेगा. ये जो नंबर्स हमें हासिल हो रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे. और ये मल्टीपल्स किसका है, ये 2 का मल्टीपल्स है. इसी तरह ये 4 के मल्टीपल्स है, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये क्या कहलाएंगे, ये 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे. आई होप कि आप लोग को फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ में आया. अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 3A पेज नंबर 38 में मिलेगा आप लोग. सबसे पहले आप लोग अपने बुक को ओपन कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी हो. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. आप लोग के पास जो बुक में ये सवाल लिखा हुआ होगा वो किस वे में लिखा हुआ होगा, 135 = (12) (+). यानी हमें ये जो ब्रैकेट, ये जो दो डैश दिए गए हैं, इन दो डैशों को हमें फिलअप करना है किसी भी सूटेबल नंबर से. जब हम इसको फिलअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से हमें 135 मिलना चाहिए. तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, बस मैंने इसके ब्लैंक्स में नंबर पुट कर दिया. लेकिन आप लोग जब ये काम करेंगे तो रफ वर्क का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर साथ में रफ वर्क में इसको सॉल्व भी करेंगे. जब आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा, 132 होगा. 132 के अंदर आप लोग 3 को मज़ीद प्लस करेंगे तो क्या नंबर बन जाएगा, 135 बन जाएगा. इसी तरीके से नंबर 219 ब्रैकेट के अंदर 23 है, 23 को 9 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. 23 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास नंबर आएगा 207. 207 में हमें कितना नंबर और मज़ीद प्लस करना है कि 219 बन जाए, 12 नंबर. 12 नंबर को प्लस करवाना है तो वो 219 बन जाएगा. नंबर 3,
487 ब्रैकेट में है 37 ब्रैकेट के अंदर हमने ही ब्रैकेट के अंदर ही नंबर लिखना है 37 को 13 से मल्टीप्लाई करवाया, जब 37 को 13 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 481 आएगा। अगेन रिपीट 481 आएगा। 481 में हमें मज़ीद और कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, 6 नंबर को ऐड करवाऊंगी तो 487 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 ही फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे आपने उसको करना है और बहुत साफ सुथरे राइटिंग में करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स है। नंबर 1 ट्रू फॉल्स देख लेते हैं क्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो तमाम तर नेचुरल नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। क्या वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर मैं आप लोग को पहले समझा चुकी हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आगे कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये तमाम तर नेचुरल नंबर होते हैं और ये तमाम तर नेचुरल नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 ज़ा 1, 2 टू ज़ा 2, 3 थ्री ज़ा 3। तो ये तमाम नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू है। उसके बाद नंबर 2, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, क्या 1 तमाम नेचुरल नंबर का फैक्टर है? जी हाँ 1 तमाम नेचुरल नंबर का फैक्टर है, क्योंकि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो सबसे पहले 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 1 तमाम नेचुरल नंबर का फैक्टर है, जैसे 2 1 सा 2, 3 1 सा 3, 4 1 सा 4, तो सबसे पहले 1 से ही मल्टीप्लाई होता है ना बेसिकली तमाम नंबर। तो 1 तमाम नेचुरल नंबर का फैक्टर है, तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रू। नंबर 3, मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, कह रही है जो 12 है ये 9 का मल्टीपल्स है, क्या 9 की टेबल में 12 आता है? जी नहीं, 9 की टेबल में 12 नहीं आता, तो ये क्या है, फॉल्स है। नंबर 4, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4, कह रही है जो 8 है ये 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल्स है, यानी ये 8 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। जी हाँ ये दोनों ही टेबल में ये 8 आता है, 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ रहा है इन दोनों टेबल्स के अंदर, तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ, कह रहे हैं जो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स लिखना है। अब ये फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स क्या होता है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा अपने पास से एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स का मतलब ये है, कोई भी एक टेबल सेलेक्ट करेंगे और उसके शुरू के 5 नंबर्स को हमें लिखना है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया है 2, 2 का जो हम 2 के जो शुरू के 5 मल्टीपल्स है वो लूँगी, यानी 2, 4, 2 की टेबल में आने वाले नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, यानी 5 तक लाकर मैंने स्टॉप कर दिया, मज़ीद और नहीं बढ़ना, क्योंकि फर्स्ट फाइव बोला है ना शुरू के पाँच 2, 4, 6, 8, 10, ये फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स कहलाएगा। इसी तरह जैसे अगर मैं 5 का टेबल ले लूँ 5, 10, 15, 20, 25, ये फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टेबल्स है वो क्या हैं, 17, 23, 47, ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इन 3 नंबर्स का मल्टीपल्स लिखना है शुरू के 5। क्या क्या है यहाँ पर लिखिएगा, पहले ही लिख चुकी हूँ मैं, 17, 34, 51, 58, 85, इसी तरह 23 का भी मल्टीपल्स लिखा हुआ है और 47 का भी मल्टीपल्स लिखना है। सेम ऐसे ही आप लोगों को करना है, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर उसकी हेडिंग और इसके बाद इन नंबर्स को लिख के कॉलम में चाहे तो कॉलम में लिखिए या जैसे स्लाइड में दिया गया है बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40, कह रहे हैं हमें एक लिस्ट तैयार करना है, मल्टीपल्स का लिस्ट तैयार करना है, 7 का मल्टीपल्स का लिस्ट तैयार करना है। लेकिन जो हम 7 का मल्टीपल्स का लिस्ट तैयार करेंगे वो कौन से दो नंबर के दरमियान होना चाहिए, 10 एंड 40 के दरमियान का होना चाहिए, यानी 10 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 7 की टेबल में 7 भी आता है, 7 1 7, तो हमें अपनी लिस्ट में 7 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें 10 से बड़ा लेना है और 40 से छोटे तक का रहना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40, ये हेडिंग आ जाएगी और इसके बाद जो जो ये नंबर्स आते हैं उसकी लिस्ट लिखेंगे, क्या है नंबर 14, 21, 28, 35, बस यही 4 नंबर आते हैं, क्योंकि 35 के बाद जो अगला नंबर है वो 42 है, वो 40 से बड़ा हो रहा है, हमें 40 से बड़ा नहीं लेना, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50, हमें लिस्ट तैयार करना है, किसका, 11 का लिस्ट तैयार करना है, मल्टीपल्स का लिस्ट तैयार करना है लेकिन वो 50 से छोटा हो। यहाँ पर जो हम 11 का टेबल स्टार्ट करेंगे वो 11 से ही स्टार्ट करेंगे, यानी 11 1 सा 11 ही लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग
मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50, उसके बाद जो 11 के टेबल में मल्टीपल्स आते हैं वो लिखना है 11, 22, 33, 44. इसके बाद नंबर कौन सा आता है, 55 होता है, जो 50 से बड़ा है, और वो हमें ऐड नहीं करना. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. साफ सुथरी राइटिंग में काम करेंगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट ऑल द नंबर 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3. यानी हमें लिस्ट तैयार करना है, मल्टीपल्स का लिस्ट तैयार करना है. यहाँ पर भी देखिए सारी क्वेश्चन मल्टीपल्स के हवाले से ही, क्योंकि चैप्टर ही हमारा मल्टीपल्स और फैक्टर्स है. तो एक्सरसाइज 3A में जितने भी क्वेश्चन हैं वो तमाम सर क्वेश्चन मल्टीपल्स के हवाले से हैं, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3B में वो फैक्टर्स के क्वेश्चन होंगे. तो एक्सरसाइज 3A करवा रही हूँ तो वही क्वेश्चन है मल्टीपल्स के, तो मैं मल्टीपल्स के ही क्वेश्चन करवा रही हूँ. हमें मल्टीपल्स लिखना है 2 और 3 का मल्टीपल्स लिखना है. लेकिन 2 और 3 का जब हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो इसमें याद ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमें वो मल्टीपल्स लेना है जो 2 और 3 दोनों ही टेबल में आता हो, यानी कॉमन हो. यानी 2 के टेबल में देखिए 2, 4 भी आता है, लेकिन 2 और 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो वो मल्टीपल्स की लिस्ट में नहीं आएगा. हमें कॉमन नंबर सेलेक्ट करना है. तो कॉमन नंबर क्या क्या है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. ये वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं. अब आप लोग के जहन में, बहुत सारे बच्चों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि हमारा तो टेबल 10 तक आगे ख़त्म हो जाता है, यानी हम जो है ना अगर 2 का टेबल लिखते हैं तो 20 तक आकर ख़त्म हो जाता है, इसके आगे 24, 30, 36, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं. देखिए टेबल जिस तरह काउंटिंग नंबर हमारा ख़त्म नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, वैसे ही टेबल भी हमारा ख़त्म नहीं होता. वो हम याद करने के लिए हम 10 पे लाकर स्टॉप करते हैं, लेकिन 10 के बाद भी टेबल कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो ये भी कंटिन्यूसली आगे चल रहा है. तो ये 50 तक लिखना था हमें, तो इसलिए हमने 50 तक अपना टेबल लिख लिया, 48 तक रखा, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा वो 50 से अबव हो जाएगा और अबव नंबर हमें नहीं लेना. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और उसके बाद ब्लू पेन से ये जो लिखा हुआ है नंबर, ये नंबर लिखेंगे, और हेडिंग आप लोग ब्लू कलर से लिखेंगे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11. यानी हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें मालूम करना है ये 2, 3, 5 और 11 से डिवाइड होता है या नहीं. डिविजिबल मतलब कम्प्लीटली डिवाइड होना, उसमें रिमाइंडर ना बचे. रिमाइंडर बचेगा तो वो उसका डिविजिबल नहीं कहलाएगा. तो नंबर 1 क्या है, 21. 21 एक नंबर दिया गया है और पूछा गया है ये 2, 3, 5 और 11 में से सॉल्व हो रहा है या नहीं, इसमें रिमाइंडर बचता है या नहीं. देखिए इस क्वेश्चन को हम अलग अलग डिवाइड कर करके सॉल्व करके मालूम नहीं करेंगे कि हाँ 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, नहीं. हम इस तरह सॉल्व करके मालूम नहीं करेंगे. सिर्फ हमें पहचानना है कि कौन से टेबल से सॉल्व हो रहा है और कौन से टेबल से सॉल्व नहीं हो रहा. तो ये 2 और ये जो ना 3 और 5 के टेबल से सॉल्व हो रहा है 21, 2 के टेबल में और 11 के टेबल में 21 नहीं आता, तो डिविजिबल बाय 3 and 5. नंबर 2, 997, none of them, यानी इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा. देखिए डिवाइड तो होगा लेकिन इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, और हमारा मकसद क्या है कि उसमें रिमाइंडर ना बचे. तो ये किसी भी एक टेबल से सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व होगा लेकिन रिमाइंडर बचेगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. नंबर 3, 2091 डिविजिबल बाय 3, सिर्फ और सिर्फ ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, और बाकी जो 3 टेबल है उससे सॉल्व नहीं होगा. नंबर 4, 2730 डिविजिबल बाय कौन से टेबल से डिवाइड होगा, ये 2, 3 and 5. 11 की टेबल से ये सॉल्व नहीं होगा. नंबर 5, 1331 ये कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है, 11 की टेबल से. इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, कोई हेडिंग नहीं आएगी इसके दरमियान में. जो ब्लू कलर से लिखा है वो आप लोग जो ब्लू कलर से लिखा है आप लोग वो ब्लू पेन से लिखेंगे, और जो ब्लैक से लिखा है उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर बी चीज़. हमें एक एग्जाम्पल देनी, एक नंबर लेना है और एक नंबर लेकर हमें एग्जाम्पल देना है. किस चीज़ का एग्जाम्पल देना है वो मुझे समझाना है आप लोगों को. नंबर 1, डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14. ऐसा कौन सा नंबर है जो कम्प्लीटली 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा है बट वो 14 की टेबल में से डिवाइड नहीं होता. वो 21 है. देखिए 21 3 की 7 की टेबल में आता है. 7 3 21, जब इसको मैं डिवाइड करूँगी तो वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये 14 की टेबल में नहीं आता. 14 की टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा. जब मैं इसको 14 की टेबल से डिवाइड करूँगी तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो वो कौन सा नंबर है, 21 है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15, ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल में या 5 के टेबल से आराम से डिवाइड हो जाता है और 15 के टेबल से नहीं होता? वो है 20. 5 के टेबल में 20 आता है, 5 से आराम से यस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 के टेबल में 20 नहीं आता. नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल से डिवाइड होता है, लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता और 6 के टेबल से ना ही वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है? जी, वो नंबर है 9. इस क्वेश्चन को भी आप लोग सेम ऐसे ही करेंगे जैसे दिया हुआ है. ये तीन ही इसके क्वेश्चन हैं. आज की क्लास यहाँ तक ही. आई होप कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सारा काम बहुत अच्छे से करेंगे और साफ सुथरे राइटिंग में करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.